सबसे पहले दोस्तों आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये साल आपके जीवन में खुशियाँ लेके आएगा और आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं इस साल में वो सारी की सारी हाइट्स आप अचीव करें। और जिन भाई ने अभी तक फ्लैट परचेज नहीं किया है, अपना घर लेना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंदर आप अपने खुद के घर में शिफ्ट होंगे। और दोस्तों बाकी एक नए फॉर्मेट में वीडियो बनाने की कोशिश की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। बाकी कंप्लीट वीडियो देखिए और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन खटाना आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्वेस्टर सब में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मजे में? दोस्तों हम आज जो सोसाइटी देखेंगे इसका नाम है फ्यूजन होम्स। और दोस्तों ये सोसाइटी पार्ट है नोएडा एक्सटेंशन का। दोस्तों अगर लोकेशन की बात करें तो एक मूर्ति से ये आपका 30 मीटर का रोड आता है जो आम्रपाली के लिए निकलता है। ये रोड 30 मीटर का सीधा ये आपका एक मूर्ति चौक से आता है। तो यहाँ पे सोसाइटी आपकी बनी हुई है। अगर वहीं आप एक मूर्ति से दूसरी तरफ जाना चाहे तो ग्रेटर नोएडा पहुँच जाते हैं। और अगर आप गोर चौक की साइड निकलते हैं तो आप नोएडा से होते हुए दिल्ली की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप दिल्ली की साइड से आते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में एक मूर्ति चौक के साथ में पुलिस चौकी आती है। और इसी पुलिस चौकी से जब आप राइट की तरफ आगे चलते हैं तो दोस्तों यहीं पे आपकी फ्यूजन होम सोसाइटी है और चेरी काउंटी सोसाइटी, दोनों बिल्कुल साथ साथ लगी हुई है। 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है ये आपका। और दोस्तों अगर इस एरिया की हम बात करें तो इस एरिया को आपके टैक्स जोन 4 बोला जाता है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं। दोस्तों सोसाइटी के बाहर आपका कंप्लीट जो पार्ट है फ्रंट वाला वो कमर्शियल एरिया में आता है, ये आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और सोसाइटी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार घूमते हुए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर दोस्तों हम फ्यूजन होम के बारे में बात करें तो ये टोटल आपका 9 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें आपके 12 टावर बने हुए हैं। 12 टावर में से 10 टावर का पोजेशन हो चुका है और 2 टावर का अभी पोजेशन जाना बाकी है जिसमें अभी के टाइम पे फ्लैट्स अवेलेबल है। और दोस्तों अगर हम ग्रीन एरिया की बात करें तो 3.5 एकड़ का ग्रीन एरिया है सोसाइटी के अंदर। और सोसाइटी का क्लब हाउस 1800 स्क्वायर फीट में ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड 3 फ्लोर का बना हुआ है। अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें टावर की तो G+18 फ्लोर की आपकी मैक्सिमम हाइट है। और दोस्तों अगर फ्लैट साइज़ की बात करें तो 2 BHK में आपका 925 स्क्वायर फीट और 1035 स्क्वायर फीट, 2+STD में आपका 1155 स्क्वायर फीट और 1230 स्क्वायर फीट, 3 BHK में आपका 1430, 1635, 1810 और 1980 स्क्वायर फीट के साइज़ अवेलेबल है। 4 BHK में 1995 और 2160 स्क्वायर फीट के फ्लैट अवेलेबल है। अब दोस्तों आसपास की लोकेशन की अगर बात करें तो आपके एक मूर्ति पे मॉल्स वगैरह की पूरी बेल्ट है। और अगर हॉस्पिटल की बात करें यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वृंदावन हॉस्पिटल साथ में है। और अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में दोस्तों आपका रियान इंटरनेशनल स्कूल, आपका पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल बिल्कुल जस्ट सोसाइटी के 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में बने हुए हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से एमिनिटीज सोसाइटी में अवेलेबल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एमिनिटीज़ के बारे में, यानी सोसाइटी के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है अगर हम यहाँ पे फ्लैट खरीदते हैं। तो ये सामने किड्स प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ छोटे कुछ मोटे कुछ खोटे सभी तरह के बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे। कुछ बेचारे शरीफ से बच्चे खेल रहे हैं, कुछ सेजान से बच्चे, सभी तरह के बच्चे यहाँ पे आपको खेलते हुए मिल जाएंगे। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे खेल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अगर माँ बाप की बात करें तो आप भी टेंशन मत लीजिए, आपके लिए भी यहाँ पे प्लेग्राउंड है, टेनिस कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट वगैरह आप भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों के लिए है। और आगे चलते हैं, सामने आप देख ही सकते हैं फाउंटेन लगा हुआ है।
और पार्क वगैरह काफ़ी अच्छा मेंटेन है। तो दोस्तों चलते रहिए, मैं आपको बीच बीच में कमेंट्री देता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। ये बास्केटबॉल का कोर्ट है ये वाला, तो ये भी आपको मिल जाएगा। सामने फाउंटेन, और ये सामने एक छोटा सा बाबू, ये देखिए ये बनाए हुए काफी अच्छे लगते हैं। अब आगे चलते हैं, अगर दोस्तों पार्क की बात करें तो काफी अच्छे एरिया में पार्क बना हुआ है, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा पार्क है। अगर आप चारों तरफ घूमेंगे तो सोसाइटी के चारों तरफ आपको ग्रीनरी नजर आएगी, आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, और ये यहाँ पे प्ले स्कूल बना हुआ है बचपन, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्ले स्कूल की फैसिलिटी आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाएगी, ये किसी का प्राइवेट है शायद। और सामने दोस्तों आप स्विमिंग पूल देख सकते हैं, और ये जो बच्चा यहाँ पे साइकिल पे घूम रहा है ये काफ़ी शैतान है, ये कई बार ड्रिप मारता हुआ भी नज़र आएगा आपको। ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल, इसमें ये बड़ों का सेक्शन है और दूसरी तरफ बच्चों का बना हुआ है उस तरफ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ एक बार। ये क्लब हाउस है जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं क्लब हाउस की बात करूँ, स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं, तो क्लब हाउस 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी शानदार क्लब हाउस बना हुआ है। बट आज जिस दिन मैं गया था तो यहाँ पे छुट्टी थी, आप क्लब हाउस बंद था, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं ले जा पाऊँगा, वरना काफ़ी अच्छा क्लब हाउस बना हुआ है। G+2 फ्लोर का आपका क्लब हाउस है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं, और ये पूरा आपको सामने पार्क दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप लोग। तो एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो आपको क्लब के अंदर आपका रिसेप्शन, गेस्ट रूम आपका, आपके इंडोर गेम्स, आपका पार्टी हॉल, आपका जिम, और क्लब के अंदर ही आपको एमपी थिएटर मिल जाता है, बाहर आपको स्विमिंग पूल और बच्चों के खेलने के झूले वगैरह सारी सुविधाएं हैं। चलिए दोस्तों एक बार फ्लैट देख लेते हैं, इधर 2 लिफ्ट लगी हुई है आपकी लॉबी, और ये 2 गेट है, एक सर्वेंट रूम का और एक फ्लैट का। ये 3+ सर्वेंट रूम का साइज है 1980 स्क्वायर फीट में। ये फर्स्ट बेडरूम आता है आपका, और दोस्तों इसके अंदर काफ़ी काम आपको होके मिलता है, वॉशरूम की फिटिंग्स वगैरह कंप्लीट और मिरर वगैरह आपको लगा के मिलती है। 12x11 का साइज है, ये देखिए आप लोग वॉशरूम। यहाँ पे एक बालकनी आती है इसके साथ में, और दोस्तों इसमें अभी जो दिल मांगे मोर का ऑफर है, इस ऑफर के अंदर आपको वार्डरोब का काम भी होके मिलता है। देखिए ये जिस तरह से आपकी बनी हुई है अलमीरा, इसी तरह से आपको बना के मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये आपका ड्राइंग रूम है, ये 17x11 के साइज का है, काफ़ी अच्छा ड्राइंग रूम निकला हुआ है। ये दोस्तों एक सैंपल फ्लैट है, तो ये सोफे वगैरह जो लगे हुए हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, ये साइज दिखाने के लिए। इधर आपका डाइनिंग एरिया है, ये 10.5x9 का मान के चलिए। सामने आपका किचन आता है जो 10x7.5 का किचन है, ये आपको मॉड्यूलर किचन मिलता है चिमनी और होब्स के साथ में। जैसे ही दोस्तों हम लोग बालकनी से बाहर आते हैं किचन की, ये बालकनी आपकी एक रूम के साथ में अटैच है, और इधर आपका सर्वेंट रूम का रास्ता है, बाहर से भी सर्वेंट रूम का रास्ता है और अंदर से भी। 6x6 का एक सर्वेंट रूम है, ये देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं बाहर की तरफ खुलता है, और इधर आपका वॉशरूम, अलग से वॉशरूम दिया हुआ है, तो अगर आप लोग चाहे तो आपका सर्वेंट बाहर से बाहर उसकी एंट्री रहेगी, और इधर जब आना चाहे तो किचन से काम करके फिर वापस जा सकता है। ये दोस्तों
ड्राइंग रूम के साथ में अटैच बालकनी है। काफी अच्छी बालकनी है। यहां से आपका क्लब हाउस का नजारा दिखाई दे रहा है और ये आपका कॉमन वॉशरूम है। जो आपके लिविंग एरिया में आता है। और दोस्तों जैसे हम एंटर करते हैं, ये आपका मास्टर बेडरूम है। ये आपका 15.5 बाई 11 के आसपास का इसका साइज है। काफ़ी खूबसूरत सैंपल बनाया हुआ है। और दोस्तों किचन वगैरह में अगर बात करें तो मॉड्यूलर किचन आपको मिलती है ऑफर जो आया हुआ है उसके अंदर। और ये आपको वार्डरोब लगा के मिलेगी। ये बालकनी है, इसके साथ में लाइट फैन का काम भी आपको कंप्लीट होके मिलेगा। ये देखिए। और हाँ दोस्तों, फ्लैट के बाहर जो आपने स्टील का गेट देखा था वो भी आपको लग के मिलता है। और ये वॉशरूम है, यानी दोस्तों आपके फ्लैट के बाहर आपको स्टील का गेट लगा मिलता है, मॉड्यूलर किचन, होब्स चिमनी और वार्डरोब सारी बना के मिलती है। चलिए दोस्तों अब एंटर करते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम के अंदर। ये 11 बाई 13 के साइज का बेडरूम है। इसके साथ में बालकनी इधर अटैच है आपके। तो दोस्तों जो आपने फ्लैट देखा ये आपको सेमी फर्निश्ड कंडीशन में मिलता है, जिसमें बाहर स्टील का गेट, मॉड्यूलर किचन, होब्स चिमनी, वार्डरोब, लाइट फैंस और बाथरूम के अंदर शीशे वगैरह लगे हुए आपको मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला साइज देखते हैं, 3 BHK 1635 स्क्वायर फिट, जो स्टोर रूम के साथ में है। इसका ड्राइंग रूम आपका 15 बाई 10 का है और इसके साथ में ये जो आपका ये देखिए स्टोर रूम दिया हुआ है, जो आपका लगभग 4.5 बाई 5.5 का है। इधर आपकी बालकनी आपके ड्राइंग रूम के साथ आपको अटैच मिल जाती है। ये सामने का व्यू, इन टावर का पोजीशन हो चुका है ऑलरेडी। और दोस्तों यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आता है, जो आपका 8.5 बाई 11 का है और सामने आपकी किचन जो आपकी 9.5 बाई 8 की है। अब दोस्तों चलते हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये आपका 10 बाई 11 का बेडरूम है, इसके साथ में अटैच वॉशरूम और इधर अलमीरा का स्पेस आपको अलग से दिया हुआ है अंदर की तरफ, तो आपका रूम का साइज वगैरह खराब नहीं होगा। ये आपके वॉशरूम का साइज। इसमें भी दोस्तों मैंने जो पहले फ्लैट में आपको स्कीम बताई थी, सेम स्कीम सभी फ्लैट पे लागू होती है। तो ये पूरी फिनिशिंग के बाद आपको मिलेगा। बालकनी से ये आपका स्विमिंग पूल और क्लब हाउस का व्यू नजर आ रहा है सामने। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम है, इसके साथ में ये आपका सेकंड बेडरूम है, जो आपका 10.5 बाई 12.5 के साइज का है। इसमें भी अलमीरा का स्पेस अंदर दिया हुआ है और इसके साथ में ये आपका वॉशरूम अटैच है। और इधर आपकी बालकनी, काफ़ी अच्छे साइज की बालकनी दी हुई है, काफ़ी वाइड बालकनी है, तो आप आराम से कुर्सियाँ डाल के इंजॉय कर सकते हैं। इधर आपका क्लब हाउस का व्यू आपको मिलता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं थर्ड और मास्टर बेडरूम की ओर अपने। ये 11 बाई 13 के साइज का आपका मास्टर बेडरूम है, वुडन फ्लोरिंग के साथ। इसमें भी अलमीरा का स्पेस आपको अलग से मिलता है और बल्कि इसमें आपको दो साइड अलमीरा का स्पेस मिलता है अंदर, तो आपके रूम का साइज खराब नहीं होगा। और ये आपका अटैच वॉशरूम है इसके साथ में, ये देखिए। और इसके साथ में आपको अटैच बालकनी मिलती है। बालकनी का साइज इसका भी काफी अच्छा है, काफी वाइड बालकनी है। ये आपको पूरा पार्क दिखाई दे रहा है जो टावर्स के बीच में है। और इधर आपका स्विमिंग पूल और क्लब हाउस, काफी अच्छा व्यू है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले साइज की ओर। मैंने कोशिश किया दोस्तों कि मैं अभी आपको सारे साइज इसी वीडियो के अंदर दिखा सकूं, तो आप वीडियो देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ये आपका 2 BHK है 925 स्क्वायर फिट का। इसका 15 बाई 10.5 का आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है और इसकी किचन आपकी 8 बाई 6 की है।
ये आपकी यूटिलिटी बालकनी जो किचन के साथ में कनेक्ट है। बालकनी काफ़ी अच्छी है प्रोजेक्ट में, किसी भी हम फ्लैट की बात करते हैं सभी फ्लैटों में। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं, 10x11 के साइज़ का है। इसमें भी आपकी अलमीरा का स्पेस दिया हुआ है साथ में, और ये इसके साथ में बालकनी आपकी कनेक्ट है। ये देखिए, ये दोस्तों इस टावर की अभी फिनिशिंग नहीं हुई है। ये दो टावर जिनका पोजीशन जाना है वो है, बाकी जहाँ पे पोजीशन जा चुका है वहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आपको मिलती है। ये यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम, और ये आपका सेकंड बेडरूम है। ये आपका 10x10 का बेडरूम आता है, इसमें भी अलमीरा का एक स्पेस, वार्डरोब का स्पेस आपको दिया हुआ है सामने, और इसके साथ में भी एक छोटी बालकनी कनेक्ट है इस रूम से भी आपके। चलिए दोस्तों, ये मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच वॉशरूम था जो मैं आपको दिखाना भूल गया था, तो ये दोबारा दिखा देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले फ्लैट की ओर, जो आपका 4BHK का फ्लैट है और सर्वेंट रूम के साथ में 1995 स्क्वायर फीट में। ये दो गेट साथ साथ है, ये सर्वेंट रूम का गेट है। पहले सर्वेंट रूम देख लेते हैं, 7x6 का आपका सर्वेंट रूम है, इसके साथ में अटैच वॉशरूम मिल जाता है, और ये आपकी बालकनी जो यहाँ से होती हुई आपकी किचन तक जाती है। ये आपको बालकनी से व्यू मिलता है, ये इधर आपकी किचन। चलिए दोस्तों, अब एंट्री करते हैं मेन गेट से। मेन गेट से जैसे ही हम एंट्री करते हैं फ्लैट के अंदर, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट बेडरूम आता है, आपका 11x10 का बेडरूम है। इसके इस साइड पे आपका अलमीरा का स्पेस दिया हुआ है, और इधर आपका अटैच वॉशरूम है आपके बेडरूम के साथ में, और ये आपकी बालकनी, ये आपका फर्स्ट बेडरूम था। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपका ड्राइंग रूम देखते हैं। ये ड्राइंग रूम आपका 15x11 के साइज का है, और फिर साथ में आपका डाइनिंग रूम आता है। डाइनिंग रूम आपका मान के चलिए 9.5x9.5 का है, और किचन आपका 7.5x9 का है। ये बालकनी आपकी जो किचन के साथ में कनेक्ट है, यूटिलिटी बालकनी भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आपका सेकंड बेडरूम है जो 10x11 का है, इसमें भी अलमीरा का स्पेस आपको अंदर मिलता है। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको अलमीरा का स्पेस अंदर मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप अपने रूम के अंदर अलमीरा बनवाते हैं तो आपके रूम के साइज खराब नहीं होते, आपको वो स्पेस अंदर मिल जाता है, तो रूम का साइज आपका कम नहीं होगा। ये आपका बालकनी से व्यू आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये आपका बीच में कॉमन वॉशरूम आता है, और हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की ओर। ये आपका 11x13 के साइज का बेडरूम है, इसमें भी अलमीरा का स्पेस दिया हुआ है, और ये इसके साथ में बालकनी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी बेडरूम की ओर, जिसको मास्टर बेडरूम भी बोलते हैं। ये आपका 11x15 के साइज का है, काफ़ी अच्छा बेडरूम है, इसमें भी वार्डरोब का स्पेस मिलता है आपको अलग से, और यहाँ पे आपका अटैच वॉशरूम मिल जाता है, और ये आपकी बालकनी, और ये आपका फ्रंट का व्यू बालकनी से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले साइज की ओर, और सारी की सारी स्कीम वो जो मैंने आपको बताई थी वो इस फ्लैट पे भी एप्लीकेबल है। सभी फ्लैट में स्कीम मिलती है, जो आपके वार्डरोब वगैरह आपको बना के मिलते हैं, मॉड्यूलर किचन वगैरह, स्टील का गेट, वो सारी चीजें मिलती है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि सारे साइज आपको दिखा सकूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो। आपका 2BHK 1035 स्क्वायर फीट का, यहाँ कोने में आपका पूजा रूम, स्टोर रूम आता है, और सामने आपकी बालकनी, इधर आपका किचन आता है, आप देख सकते हैं 8x6 का किचन है।
इसके साथ में बालकनी अटैच है। और दोस्तों ये आपका पहला बेडरूम है 10x11 का, और यहाँ पे अलमीरा का स्पेस दिया हुआ है, और साथ में आपका अटैच वॉशरूम, और ये बालकनी, काफ़ी वाइड बालकनी है आपके मास्टर बेडरूम के साथ में। इसमें दोनों रूम आपके सेम ही साइज़ के हैं। ये आपका कॉमन वॉशरूम, ये आपका 10x11 के आसपास का है, 10x11 ही मान सकते हैं इसको भी, लगभग आस ही पास के साइज है दोनों। और ये आपकी बालकनी, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और 2+ स्टडी का साइज देखते हैं। 1155 स्क्वायर फिट, दो साइज है आपके स्टडी रूम के साथ भी। ये आपका फर्स्ट साइज है 1155 स्क्वायर फिट। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, इस मेन गेट के पीछे स्टडी रूम का गेट था जो मेरे दिमाग से निकल गया। ये 8x8 का साइज़ है जो स्टडी रूम है, और ये आपका 10.5x16 का ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपका आता है, और 8x6 की आपकी किचन है इसके अंदर। ये आपकी बालकनी, ये आपका कॉमन वॉशरूम। चलते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम की ओर। ये 11x11 का फर्स्ट बेडरूम है, इसके साथ में अलमीरा का स्पेस, और ये आपका अटैच वॉशरूम। इधर आपकी बालकनी आती है, और ये गेट है, गेट नंबर 1 सोसाइटी का। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की ओर। दोस्तों ये बेडरूम भी आपका 11x11 के साइज का है, इसमें भी अलमीरा का स्पेस दिया हुआ है, और ये आपका बालकनी अटैच इसके साथ में। दोस्तों कोशिश की है एक नए फॉर्मेट में वीडियो बनाने की, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 2+ स्टडी है, 1230 स्क्वायर फिट का साइज। इसमें ड्राइंग एरिया उससे थोड़ा बड़ा है 1155 से, ये 10.5x17 का है। और ये आपकी किचन है 8x6 की। और दोस्तों मैं आपको स्टडी रूम दिखाता हूँ जो पहले फ्लैट में स्टडी वाले में मेरे से मिस हो गया था, उसमें 8x8 का स्टडी रूम था, इसमें आपका 9x10 का स्टडी रूम है। बाकी रूम साइजेस सेम है। ये आपका 11x11 का है पहला, जैसा आपने पहले फ्लैट में देखा। ये इसके साथ में बालकनी, इधर आपका अलमीरा का स्पेस, और अटैच वॉशरूम। ये आपकी यूटिलिटी बालकनी जो आपके किचन और हॉल के साथ में कनेक्ट है, काफी वाइड बालकनी है। चलिए दोस्तों ये आपका कॉमन वॉशरूम है। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की ओर। यह भी 11x11 का आपका सेकंड बेडरूम रहता है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको सारे साइज इस वीडियो में दिखा पाऊँ, जैसे कि मैंने आपको 2BHK के दोनों साइज दिखाए, आपको 2+ स्टडी के दोनों साइज दिखाए, 3BHK का मैंने आपको 1680 स्क्वायर फिट का साइज भी दिखाया, और आपको 3BHK प्लस सर्वेंट वाला भी साइज दिखाया, और मैंने आपको 4BHK का भी साइज़ दिखाया। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि सभी साइज़ आपको दिखा सकूं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक बार फिर आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियां लेके आए नया साल। और दोस्तों आगे पोजिशन का क्या टाइम है, प्राइस क्या है, और कैसी सोसाइटी है, उस सब के लिए देखते रहिए। अभी वीडियो आगे बाकी है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी वीडियो।
हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का कि पोजेशन कब है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर जितने भी टावर है बाकी सभी टावर का ऑलरेडी पोजेशन जा चुका है। सोसाइटी बिल्कुल आपकी रनिंग में है, पहले से फैमिली शिफ्टेड है, लोग रह रहे हैं, और जो टावर अभी के टाइम पे बचे हुए हैं जिनका पोजेशन होने वाला है, तो उनमें से एक टावर का पोजीशन अभी है आपका फरवरी मार्च में, और जो दूसरा टावर आपका बचता है उसका पोजीशन है आपका अप्रैल मई के आसपास। तो कोई इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, जल्दी आपके पोजीशन हो जाएंगे, और पहले भी सारी की सारी चीज़ें डिलीवर हो चुकी है, और जहाँ तक हमने टावर को देखा जिस कंडीशन में है तो लगता है इज़िली जो पोजीशन टाइम दिया हुआ है तब तक बिल्डर पोजीशन दे देगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों प्राइस की अगर हम बात करें तो आपका 2 BHK 35 लाख 30 हज़ार से स्टार्ट होकर 44 लाख 80 हज़ार रुपये तक जाता है। फिर इसके बाद दो साइज़ आपके 2+ स्टडी के हैं जो आपके 43 लाख 95 हज़ार से आपके 53 लाख 15 हज़ार तक जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 3 BHK 55 लाख से शुरू होके और आपका जाता है लगभग 82.5 लाख तक, और 4 BHK आपका 81 लाख से स्टार्ट होकर 92 लाख तक जाता है। और साथ में दोस्तों कुछ ऑफर्स अभी के टाइम पे चालू है, जैसे 2 BHK पे 1 कवर्ड पार्किंग और 3 और 4 BHK पे 2 कवर्ड पार्किंग, आपका लीज रेंट, आपका क्लब मेंबरशिप, आपका वार्डरोब, आपका स्टील का गेट, आपके फैन लाइट, होब्स, चिमनी, माइक्रोवेव, आपका एक गीजर, तो ये इस तरह के आपको अलग से कुछ बेनिफिट मिलते हैं, ये भी आप पहुँच करके देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपके पजेशन चार्जेस हैं जो लगभग 1 लाख से शुरू होके आपके साइज़ के हिसाब तक से 1.5 लाख रुपए तक जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा खर्च है, ये भी कंसिडर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिव्यू की। तो पहले तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने पूरी सोसाइटी देखी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको सोसाइटी कैसी लगी, और अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मुझे सोसाइटी काफ़ी अच्छी लगी। आप देख ही सकते हैं बिल्कुल वेल मेंटेन सोसाइटी है, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन की गई है, और लगभग 10 टावर का पहले पोजीशन हो चुका है। अगर आप इन टावर को भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, ये नहीं है कि जिस टावर का पोजीशन हो गया बुरी हालत में कंडीशन में है, वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से वेल मेंटेन सोसाइटी है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, आइए विज़िट करिए, और अगर आपको पसंद आती है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए आगे इसी तरह की सोसाइटी की वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों ये जो आपको सब्सक्राइब के नीचे IH का लोगो दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।